नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लीजिए, एक और जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर हो गए आपके सामने। और आज की जानकारी की अगर बात करें तो आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त भारतवर्ष के अंदर एक पर्व मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का पर्व। जी हाँ, हर जगह पर वोटिंग हो रही है और इसी वोटिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और आसान तरीके से वोटर ताकि वोट केंद्रों पर पहुँच सकें और अपने कीमती वोट को दे सकें, चुनाव आयोग भी लगातार पूरी मेहनत कर रहा है। और इसी मेहनत के साथ अब रैपिडो चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक पहल कर रहा है, जिसके अंदर जो भी वोटर चुनाव के दिन वोट करेगा और उसकी उंगली पर होगा वोट का निशान, ऐसे वोटर को मिलेगी रैपिडो की तरफ से बिल्कुल मुफ्त राइड। अगर आपने भी रैपिडो के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और वोट देने के बाद आप रैपिडो की इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन 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 इसके अंदर थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमने जब इस विषय के ऊपर बहुत से राइडरों से जानकारी चाही तो कुछ राइडर का कहना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों हो रही है, हमारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट के एक अध्यादेश के अनुसार दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बाइक टैक्सी अलाउड नहीं है। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर आया कि जब तक कोई भी कंपनी दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी एग्रीगेटर जो पॉलिसी आ रही है उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराती है, तब तक कोई भी कंपनी दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी ऑपरेट नहीं कर सकती है, चला नहीं सकती है। अब दिक्कत ये आती है कि चुनाव वाले दिन क्या रैपिडो नियम को तोड़ के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करके फ्री राइड देगा? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अभी 2-3 दिन पहले की ही बात, दिल्ली के एक राइडर का चालान हो गया है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी प्राइवेट नंबर बाइक को बाइक टैक्सी के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया और एक पैसेंजर को ड्रॉप करते हुए वो दिल्ली के आरटीओ के हाथ आ गए और उनका 5,000 रुपये का चालान हुआ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या दिल्ली के अंदर ये जो फ्री राइड दी जाएगी रैपिडो की तरफ से, तो क्या ये सिर्फ ईवी के ऊपर दी जाएगी? अगर यहाँ पर हम ये भी मान लेते हैं कि रैपिडो सिर्फ ईवी वाली बाइक से ही इस सर्विस को देगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने अध्यादेश के अंदर साफ बता दिया है कि वो केवल और केवल ईवी इलेक्ट्रिक बाइक को ही बाइक टैक्सी के अंदर मान्यता देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने उस अध्यादेश के अनुसार अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा है और ना ही अप्लाई किया है। तो जब ना ही किसी कंपनी ने दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने के लिए अप्लाई किया है और ना ही रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये सर्विस जो चुनाव आयोग प्लस रैपिडो की तरफ से मुफ्त राइड की है, ये कैसे पूरी हो पाएगी? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। राइडर का काफ़ी रोष है इसके अंदर कि एक तरफ तो आप हमारा चालान काट रहे हैं, एक तरफ आप ये कह के कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी बिल्कुल अलाउड नहीं है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के वोटरों को मुफ्त राइड दी जाएगी। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर शायद 5% राइडर के पास ही इलेक्ट्रिक बाइक होगी और इसका डाटा तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि उन 5% के अंदर रैपिडो के प्लेटफॉर्म पर कितनी बाइक चल रही होंगी। तो क्या इलेक्शन कमीशन प्लस रैपिडो का ये प्लान, जो कि काफ़ी अच्छा है इस लोकतंत्र के पर्व के लिए, वोटरों के फायदे के लिए सफल हो पाएगा? हमें कुछ शंका लग रही है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। साथ में जाते जाते आपसे एक सवाल और करते हैं, जो बाइक टैक्सी के ऊपर है कि इलेक्ट्रिक बाइक ही चलनी चाहिए या पेट्रोल वाली ही चलनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं। कोई भी राइडर नियम को तोड़ के काम नहीं करना चाहता, हर राइडर नियम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहता है। वह गवर्नमेंट को टैक्स देता है जब भी पेट्रोल भराता है, जब बाइक खरीदता है तब GST देता है, जब बाइक की सर्विस कराता है तब उन सामान के ऊपर GST देता है। जब राइडर हर जगह GST दे रहा है और यहाँ तक कि हम बात करें जब किसी राइड को भी कंप्लीट करता है तो उस ट्रिप के अंदर भी गवर्नमेंट को GST यानी टैक्स जाता है। जब राइडर हर जगह से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो फिर इस चीज़ के ऊपर बंदिश को। खैर, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम दिल्ली गवर्नमेंट से या फिर संबंधित अधिकारियों से केवल यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जब तक दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रॉपर तरीके से चार्जिंग की व्यवस्था ना हो जाए,
तब तक आप किसी भी कीमत पर बाइक टैक्सी के ऊपर बैन ना लगाएं, क्योंकि आज अगर वोटर के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि शायद 5% नहीं सिर्फ 1% ही इलेक्ट्रिक बाइकें रैपिडो के प्लेटफॉर्म पर चल रही होंगी। तो क्या 1% से दिल्ली की इतने सारे वोटरों को सुविधा मिल सकती है? हमें तो नहीं लगता है। इसलिए हम दिल्ली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या संबंधित अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक पूरे तरीके से दिल्ली को आप ग्रीन एनर्जी में ना बदल दें, जब तक दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर आप इलेक्ट्रिक पॉइंट ना लगा दें जहां पर राइडर आराम से चार्जिंग कर सके, तब तक इस अध्यादेश को, तब तक इस चालान की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी मुद्दे के ऊपर आज दिल्ली के अंदर न्यू अशोक नगर में अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन की एक मीटिंग भी हो रही है, जी हाँ, जहां पर आके राइडर अपनी इन्हीं सभी समस्याओं को एसोसिएशन के अध्यक्ष के सामने रखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरेंद्र जी राइडर की इन्हीं समस्याओं को लेकर सीधा संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब भी करेंगे, और जैसा वहां से जो भी निर्णय आता है या जो भी वहां से हमें रिपोर्ट मिलती है हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में, और जाते जाते आपको कहेंगे जय हिंद, जय भारत।